तो क्या हाल है मेरे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल जी के डेली अपडेट में। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ जनवरी 2022 तक के बदले गए नाम, जो कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यूज़फुल हो सकते हैं, जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो आंसर है बदलाव। क्वेश्चन नंबर दो है, केंद्र सरकार ने मिड डे योजना का नया नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो आंसर है PS पोषण योजना। तो क्वेश्चन नंबर थ्री है, किस राज्य ने आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना कर दिया है? तो आंसर है राजस्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे एग्जाम में आ सकते हैं किसी भी। तो क्वेश्चन नंबर चार है, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन अब किस नाम से जाना जाएगा? तो आंसर है पंडित भीमसेना जोशी संगीत सम्मेलन। तो आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फाइव है, हिमाचल प्रदेश का रोहतक सुरंग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो आंसर है अटल सुरंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर छः है, हाल ही में चेन्नई निसारी सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो आंसर है श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल। तो क्वेश्चन नंबर सात है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो आंसर है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। तो क्वेश्चन नंबर आठ है, किस शहर के सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया है? तो आंसर है जम्मू है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन है, हावड़ा से कलका में मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो आंसर है नेताजी एक्सप्रेस। तो क्वेश्चन नंबर दस है 2021 में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, मैं बताता जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलत फूट रखा है? तो आंसर है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 12 है, फेसबुक का नया नाम क्या हो गया है? तो आंसर है मेटा प्लेटफॉर्म INC। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर और लखद हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, टेनिस के पेड कप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर है बिली जीन की कप। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मेट्रा स्टेडियम साराभाई वल्लभ भाई पटेल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश के इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, जो कि लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर है अरुण जेटली स्टेडियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, टेनिस के फेड कप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर है बिली जिन किंग कप। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आंसर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आंसर है भारी उद्योग मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 21, मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर है शिक्षा मंत्रालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में टेस्ला के लिए काम करने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने हैं? तो आंसर है अशोक एलू स्वामी, सॉरी दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, पासा ने वॉशिंगटन DC में स्थित अपने मुख्यालय का नाम बदलकर किसे नाम पर रखा गया है? तो आंसर है मैरी बिडल्यू जैक्सन। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स संघ IAAF का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आंसर है नाम रखा गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय वित्तीय प्रधान संस्थान का नाम बदलकर किससे नाम पर रखा गया है? तो आंसर है अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रधान प्रबंधन स्थानांतरण। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, सॉरी, तो हाल ही में किस स्थान का नाम बदलकर संस्थान का नाम बदलकर इस स्वर्गीय
मनोहर परिकरक के नाम पर रखा गया है? तो आंसर है मनोहर परिकरक रक्षा अध्ययन और विशेषण संरक्षण संस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, हासम के राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो आंसर है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर है हरिगढ़। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तराखंड के जिस कार्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो आंसर है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर है अयोध्या गेट। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 32, चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर है पुरेचिची तलेबा डॉक्टर एस जी रामचंद्र सेल्टर। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर है महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 34 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर है श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 35, ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर है वंदे मातरम एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 36, किस शहर के सकुरल रोड चौक का नाम बदलकर अटल जी चौक कर दिया गया है? तो आंसर है जम्मू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर है श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 38, कर्नाटक के हवेली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर है महादेवप्पा मेलारा में रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 39, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर है नर्मदापुरम। क्वेश्चन नंबर 40, अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 41 इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर है लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश के मंडूबाई रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर है बनारस रेलवे स्टेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, आंध्र प्रदेश के कुनूर हवाई अड्डे एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर है उयलवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 44 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पुणे के आर्मी स्पोर्ट इंडस्ट्रीज रेलवे स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, कानपुर का चुकेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर चकेरी एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर है गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, बरेली एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर है नाथ नगरी एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 47, अयोध्या बॉस स्टॉप नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर है अयोध्या धाम। क्वेश्चन नंबर 48, हजारगंज चौराहा जो कि लखनऊ में है का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर है अटल चौक। क्वेश्चन नंबर 49, भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर है रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, देखते हैं, औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया क्या करने की घोषणा की है? तो आंसर है संभाजी नगर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 जो कि आखिरी क्वेश्चन है, दिल्ली के बाबर रोड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर है 5 अगस्त मार्ग। तो दोस्तों ये थे टॉप 51 मोस्ट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे अनदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी
फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं, और आप हमारी साइट को भी देख सकते हैं www.gkdailyupdate.in पर आप चेक इन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।